गणेश जी महाराज की जय। सांवरिया सेठ की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। खाटू नरेश की जय। रानी सती दादी की वीराबर जी दादी की जय। बालाजी महाराज की जय। बाबा भूतनाथ की जय। भक्त नरसिंह मेहता की जय। वरे नाम अर्च संघाना रसाना छंद सामपि मंगला नमच करता ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी शिर चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चातकी घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय संख्या तो काफी अच्छी है पर आवाज उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जय जय राधा रमण जय 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 जय। आई मीठी मीठी तालियों के साथ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
Hari bol, 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 hari
हरी बो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं। पहली बात तो आप सबके बीच कथा करने में मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि जिन्होंने बचपन से बढ़ते हुए देखा है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे घर का बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। नरसी जी भगवान के एक ऐसे भक्त जिन्होंने हमें ये सिखाया कि भक्ति का सही अर्थ क्या होता है। भक्ति का अर्थ केवल भजन कीर्तन, या जब भगवान हमारे लिए सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं तब उनको मानना नहीं होता, पर जब वो परीक्षा ले रहे हैं तब उन पर कितना भरोसा है। क्योंकि आज का जो समय हो गया है, आज के समय के अनुसार तो एक काम नहीं हुआ और लोग भगवान बदल ले, कहीं और प्रसाद चढ़ाकर देखते हैं। उस समय में नरसी जी ने भक्ति का सही अर्थ समझाया। तो इनका नाम सभी ने सुना है, पर जो परीक्षाएं भगवान ने उनकी ली है वो परीक्षाएं शायद हमने सही तरीके से समझी नहीं या सुनी नहीं, तो कथा आपको वो परीक्षाएं बताती है। बोली कृष्ण का नहीं आला लेकिन नरसी जी रो जन्म गुजरात में शहर जूनागढ़ में हुए, नागर ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में नरसी जी रो जन्म हुए, पर नरसी जी के जन्म से ही एक शारीरिक दुविधा जुड़ी हुई थी। नरसी जी से गूंगा भी था और बैरा भी था, ना तो बाके मुनाऊ बोलीच तो और ना ही कानाऊ, ऐसा था नरसी जी। और नरसी जी रा माता पिता भी था, पर उस समय गांव में कोई महामारी ऐसी कोई बड़ी बीमारी आई जिसमें नरसी जी का माता पिता तो स्वर्ग सिधार गया। अब नरसी जी आपकी दादी रे कने रहता, नरसी जी री दादी नरसी जी ने लिया सब मंदिर सत संकीर्तन जाती। आजकल कोई नई मूवी लगे तो माता टाब न ले जावे, कोई नयो मॉल खुले तो टाब न ले जावे, कथा में नहीं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कथा के लिए अगर सब तैयार हो रहे हैं तो किसी दूसरे ने ही माता पिता से पूछ लिया कि भाई बच्चे को, तो बच्चा तो कुछ कहता नहीं है, उससे पहले माता पिता कहते, वो क्या करेगा जाकर, बोर हो जाएगा। जिस बच्चे ने कभी कथा नहीं सुनी उसके मन में हमने क्या डाल दिया, कथा यानी बोर हो जाएगा, फिर वो जीवन भर उस कथा से दूर भागेगा, क्योंकि उसे ऐसा ही लगेगा कथा में आने का मतलब है बोर हो जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं मैं आपसे कह रही हूं आप बच्चों को बाहर मत घुमाइए, पर जैसे हमने सांसारिक चीजों में इतनी मर्यादा रखी है, कितनी मर्यादा है, हमने स्कूल के दिन बांधे हैं, ट्यूशंस के दिन बांधे हैं, यहां तक कि मस्ती का दिन भी बांधा है संडे। संडे आते ही बच्चे को ऐसा लगता है कि आज तो मस्ती का दिन है, पर भगवान के लिए कोई दिन नहीं बांधा गया कि इस दिन तो मंदिर जाना ही है या इस दिन तो थोड़ी बहुत पूजा करनी है। और ये अभी असर समझ नहीं आता, ये बड़े होने के बाद आता है। क्यों? क्योंकि बड़े होने के बाद उस बच्चे को समझ आता है कि इन सब चीजों में मर्यादा जरूरी है, भगवान में नहीं है। समय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो छोड़ो,
इसलिए तो हम आए दिन देखते हैं ना कि कथा इत्यादि हो, आप निमंत्रण देने जाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तो चलिए समय कम है, वरना कथाएं 3 दिन 7 दिन 9 दिन की होती है, तो लोग जवाब क्या देते हैं, संडे के दिन आएंगे क्योंकि उस दिन छुट्टी है। तो हमारी छुट्टी है इसलिए हम भगवान को समय दे रहे हैं। मान लीजिए ऐसा कभी हो ना, लेकिन किसी दिन आप पर कोई संकट आया और आप भगवान को पुकार रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, और भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी होगी, कैसा लगेगा? तो हमें तो भगवान हर समय चाहिए कि कोई भी संकट आया कि भगवान रक्षा करो, कुछ भी हुआ कि भगवान साथ दो, और भगवान कहेंगे जब मेरा समय आता है तब। शादियों में 10-10 दिन तक दुकानें बंद कर जाते हैं, और कथाओं में 3-4 दिन में आने में भी हमें ऐसा लगता है कि कितना काम छूट जाएगा। तो जो देखते हैं वही सीखते हैं, बच्चे कोई खराब नहीं होते, ये बात मान लीजिए मेरी। हम कहते ना आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बच्चे कोई खराब नहीं है, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। आप 10 बार उस बच्चे से कहो झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो नहीं सीखेगा, पर आपको वो एक बार झूठ बोलता देख लेगा, वो समझ जाएगा झूठ बोलना भी कोई गलत बात, जब वो ही कर रहे हैं तो हमारी क्या गलत बात है। तो वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो हर जगह घुमाइए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताइए कि भगवान भी जरूरी है। हर चीज में मर्यादा है, इसमें भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। आप कोई एक दिन मान लीजिए कि आज मंदिर का दिन है, तो आज तो मंदिर जाना ही है किसी भी हाल में। तो नरसी जी की दादी नरसी जी को लेकर सब मंदिर सत्संग कीर्तन जाता है। अब बूढ़ा माए तारो कहीं ठिकानों में सत्संग कीर्तन सब जगह ले जाते, और कोई गांव में कोई संत आ जाता, कोई महाराज आयो तो बस एक ही बात, महाराज पोता ने ठीक करो, इन्हें बोल तो करो, कैसे भी करो इन्हें आशीर्वाद दो, लांडोकरी रो यही भाव रहे। डोकरी किने कवे जो बहुत बूढ़ी हो जावे, घर में जो बूढ़ी दादी होवे बाने मारवाड़ी में कवा डोकरी। तो नरसी जी की दादी डोकरी थी, एकदम बूढ़ी। अब नरसी जी रो एक बड़ो भाई भी थो, उन बड़े भाई री बहू माने नरसी जी री भाभी, उन रो स्वभाव तो मैं थाने कहीं बताऊंगा। क्रोध में आ जावे वो, और रीस ने तो अठे बिठान रखती। ऐसे तो क्रोध सबके दिमाग में होता है कि भाई कोई बात सुनी बुरी लगी गुस्सा आया तब कुछ कहते हैं, उसके पास इतना समय नहीं था, वो क्रोध को यहीं बिठा कर रखती। कोई भी अटपटी बात हुई जट रीस फिसलू जीभ माते आते, और जो मन में आवे कहे। और दिन भर नरसी जी ने कुड़ेलाई करती कि घूंगो कठू आएगी हो यो बैरो कठू आएगी, पर दादी आपरी दोरी सोरी निभाती। डोकरी के मन में एक ही बात कि मैं बैठी हूं, जब तक मारो पोतो बोलन लाग जावे तो मैं सुख से मरू। एक दिन शिवरात्रि रो दिन थो, शिवरात्रि रो दिन डोकरी ने मन में आई कि आपा बेगी बेगी हाला मिंदर चला महादेव जी रे जल चढ़ावा, क्योंकि फिर बाद में भीड़ गणी हो जावे। अब भीड़ में कोई तो महादेव जी रे जल चढ़ावे, कोई सामने वाले माथे भी जल चढ़ा दे, इतना वही समय नहीं है किसी के पास, कौन इतनी लंबी लाइन में लगे, तो जल तो वहीं जाना है। तो जहां खड़े बस वहीं खड़े खड़े ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो डोकरी सब सो जल्दी जल्दी मंदिर गई, महादेव जी रे के जल चढ़ायो। महादेव जी के जल चढ़ाने के बाद जैसे ही डोकरी पीछे मुड़ी कि कोना में एक महाराज बैठा देखी, कोना में महाराज ने बैठा दे। डोकरी कवे आ महाराज तो नया लगे, नए महाराजों का चाव ज्यादा होता है। हम लोग कहीं पहली बार कथा करने जाते एक बार के लिए बहुत भीड़ आती है, क्यों? सब सोचते नया महाराज आया, देखा देखा
चलो मुझे अच्छा लगता है इतने वर्षों बाद भी आप आते हैं सुनने। लेकिन तो डोकरी ने नए महाराज को देखा तो वो कहती है इनका भी आशीर्वाद दिला देते हैं। डोकरी महाराज के पास जाती है, महाराज से बड़ी प्रार्थना की। महाराज ने नरसिंह जी को गोदी में बिठाया। महाराज जब उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं, महाराज कहते डोकरी थारो यो पोतो तो भगवान रो बहुत बड़ो भक्त बनेला। डोकरी कवे कई आशीर्वाद दे, मुंडा बोली जे नहीं, काना सुनी जे नहीं, भक्ति का ही टांगना सुपरी। महाराज कवे नहीं और खूब भक्ति करी वो भी रहती। और नरसिंह जी रे कान में महाराज धीरे से बोलिया कि बोलो बेटा राधे कृष्ण, बोलो बेटा। महाराज रो केवनो हुयो के जन्म रो गुंगो नरसी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण करण नरेश की। डोकरी रे परचो परो के बाबो है तो सच। चमत्कार ने नमस्कार है भाई, वो इस समय चल रही है। तो डोकरी अब खूब प्रसन्न हो। डोकरी कवे महाराज थे तो जबरा आया थे तो मारी शिवरात्रि की पूजा सफल कर दी। हलो हलो मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने पूरो गांव घुमाऊ पड़िया पेट पूजा कराऊ। हलो महाराज कवे मैं तो कीरे घर हाला नहीं भाई। डोकरी कवे तो क्यों ना क्यों तो देऊ। अब डोकरिया ने अठे पल्ला में राधे। तो डोकरी कहती कि कुछ ना कुछ तो देऊं। तो अब आजकल ज्यादा नहीं होता है, पर पहले डोकरियों के पास पल्ले में एक छोटी सी जेब होती थी। ज्यादा रुपया तो नहीं होवे पर काम के हिसाब से रुपया होवे। तो डोकरी कवे कितना रुपया धरूं, दो रुपया धरूं, क्योंकि देखिए ये बात है 500-600 साल पुरानी। नरसिंह जी की घटना 500-600 साल पुरानी घटना है। उस समय तो एक दो रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी, यानी बहुत बड़ी बात। तो कहती है दो रुपया धरूं, फिर के दो रुपये का क्या करेंगे महाराज, एक रुपया धरूं, आठाना धरूं, कितना रुपया धरूं। महाराज समझ गए डोकरी का मन ने। महाराज कहते मैं नहीं लो नहीं लो वाह तब तो ठीक। उसके बाद तो डोकरी सन्नाट करती दौड़ी महाराज और घर पहुंचे। घर पहुंच के भोजाई ने कवे के देख देख थारो देवर बोलन डूब गयो। भोजाई कवे जन्म रो गुंगो कहनो बोलन डूके। डोकरी कवे रुक अटिन्या बोल के बता थारी भोजाई ने। अब नरसिंह जी ने बोलना तो सीखा है पर सिर्फ दो शब्द। नरसिंह जी कवे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भोजाई कवे बोले तो है पर एकुणे राधे एकुणे राधे कृष्ण। कथा में जावे तो ठापड़े कुणे राधे कृष्ण। नहीं लाएंगे बच्चों को तो ऐसा ही होगा आगे जाकर, वो कहेंगे कौन राधे कृष्ण। भोजाई तो गई आप रे कमरा में। अब डोकरी रे मन में देखे इच्छाएं भगवान से हम कहते हैं ये एक इच्छा के समय कि बस ये पूरी कर दो फिर कुछ नहीं चाहिए। पर जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा। तो डोकरी कहती है कि मैं बैठी हूं तब तक पोता ने परना दू। परना दू याने ब्याह शादी कर दू, तो यही काम मारे हाथों निमड़े। तो डोकरी कवे कि बस शादी हो जावे। पर धीरे धीरे डोकरी के मन की हो गई, नरसिंह जी के लिए एक सीधी सादी कन्या मिली। सीधी मिली जने ठीक हो क्योंकि भोजाई तो थी अड़ी और आग रे कन्ने आग नहीं कटे भाई, आग रे कन्ने पानी कटे। कहीं आग लग जाएगी तो क्या करोगे आप बताइए, क्या पानी तो नहीं डालते।
कहीं आग लग जाती है तो और मिर्च मसाला नहीं डालते, पानी डाल कर आते हैं। तो आग रखने, क्योंकि फिर वो दोनों ही तेज हुए तो रोज पटाखा रोज दिवाली। तो अठे जितनी भी सासू बैठी हुए मैं सबने कहूं, घर में एक तेज है तो दूजी धीमी लाओ, और एक धीमी है तो दूजी तेज लाओ। दो ही चले, एक ही है तो अपने अनुसार लाओ। आपको घर में कैसा माहौल चाहिए? आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो शांति चाहिए, तब तो सीधी लाओ। आप कहे नहीं भाई थोड़ा बहुत तो मनोरंजन होना ही चाहिए, तो तेज लाओ। तो नरसिंह जी रो ब्याह हुआ। अब ब्याह होने के कुछ दिन बाद डोकरी भी गई आपरे धाम, अब भोजाई आपरो रूप दिखायो। नरसिंह जी की लुगाई ने खूब तंग करे, वो झाड़ू कड़े तो पीछे से कूड़ा फेंक दे। थारी माता ने फूस काटनी कौन सी कही के? फूस काटनी माने झाड़ू करना। उसने कहा कि माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, ये पता नहीं ससुराल में ये इस लाइन का तो कुछ माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया। मानो माँ क्या नहीं कि कोई ट्यूशन सेंटर में रह कर आ रहे थे हम, कि हर चीज सीख के आना चाहिए था। हम कहते कभी इनसे कितनी गलतियां करते हैं, कोई चीजें याद नहीं रहती। तो हर कोई भी गलती हुई नहीं कि माँ ने नहीं सिखाया, माँ ने नहीं सिखाया। तो भोजाई ने कहा कि माँ ने इतना भी नहीं सिखाया, पर नरसिंह जी की लुगाई एकदम गाय, वो प्रतिकार ही नहीं करे। उसने कहा कोई बात नहीं, एक हाथ और फिर दो, झगड़ा करने से अच्छा एक हाथ और फिर दो, बस कुछ नहीं करे। पर महाराज आजकल सहन शक्ति की भरपूर कमी आ गई है, कोई चुप ही नहीं हुए। सुने तो सिर्फ कथा या भजन, बाकी तो बोले ही बोले। परिवार में एक चुप हो जावे तो परिवार समझ जावे, झगड़ो नहीं हुए। नरसिंह जी की पत्नी कुछ नहीं कहती। अब एक दिन भोजाई का मूड थोड़ा सा खराब था, अब किसी पर तो क्रोध उतरे पति पर उतार नहीं सकते। तो नरसिंह जी सामने से गया, बस नरसिंह काम काज कुछ करे नहीं, घर में फोकड़ी रोटियां तोड़े, जाओ जंगल में जाके लकड़ियां लेकर आओ। नरसिंह जी कहे ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसिंह जी गया जंगल में, लकड़ियां काटी डोरी से बांधी लाकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ता में कटे कीर्तन हो रही होती, बस महाराज नरसिंह जी तो कीर्तन में बढ़ गया और के बढ़िया रम गया। अब वो कीर्तन चल तो ही जावे, कीर्तन बहता बहता सींझा पड़ गई। सींझा माने शाम हो गई, जिस समय के लिए लकड़ियां मंगाई थी वो वहीं हो गई। अब नरसिंह जी कवे अब घर जाऊं न भोजाई लड़े, उन्हें तो मौका ही चाहिए हमसू लड़। पर नरसिंह जी कवे कि आपा चुपचाप जासा और लकड़ियां रात गौशाला में जार बैठ जासा। पर कभी कभी जोगी अड़ो हुए। नरसिंह जी गया घर में, डोरी बांधी लाकड़ियां रखी, उस समय अड़ो जोग हुयो के बाद डोरी टूटी। अब वो डोरी टूटे लकड़ियां गिरी और सामने से भोजाई आ। ओ कवे अभी बताऊं, भोजाई कवे आई क्यों? नरसिंह जी चुपचाप खड़ी, टेम है थारे भरोसे बैठो, घर में रोटियां ही नहीं बने, सैन घर वाला भूखा मरे, शाम की रसोई वास्ते लकड़ियां मंगाई थी, अब मैं बड़ू माने जलू जलना, क्योंकि मैंने शाम के लिए लकड़ियां जलाने के लिए मंगाई थी, अब मैं जलू। नरसिंह जी मन में कवे भोजाई जी थारे मन में तो मैं ना क्यों दू। भोजाई कवे कहीं बोलियो नहीं नहीं कुछ नहीं भोजाई जी गलती होगी। नरसिंह जी कवे के गलती होगी। भोजाई कवे इतनी देर क्यों लगी?
नरसी जी कवे भोजाई जी वो रस्ता में कठे कीर्तन हो रियो थो तो मैं कीर्तन में बैठ गयो। भोजाई कवे कीर्तन में बैठ गयो रोटियां कौन जी माई कीर्तन वाला ने जींजा बजाने जा उठे और रोटियां गीतने उठे जा निकल जा मारे घर से। नरसी जी हाथ जुड़े भोजाई जी माफ कर दो गलती हुई खूब झगड़े फिर भोजन के समय और झगड़ा। नरसी जी कवे घर मारे कारण इतनी असुविधा होवे घर में तो मैं जाऊं थारो घरे थे क्यों जाऊं। और बड़े भाई रो आशीर्वाद लेर नरसी जी तो घर से निकल गया। वो दिन भर गांव में घूमे कोई सहारो नहीं मिलो। रात में नरसी जी जंगल में पहुंच गया और जंगल में नरसी जी ने महादेव जी रो मंदिर मिले। जंगल में किन रो मंदिर मिले कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी दो ही भगवान है जिन्हें सेवारी कोई जरूरत नहीं है। नरसी जी कवे महादेव जी नहीं मनावा और सात दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसी जी महादेव जी ने मनावे महादेव जी री पूजा करे तपस्या करे पर आठवें दिन महादेव जी प्रकट हो गया। देखिए सभी भगवानों में महादेव जी सबसे भोले भगवान हैं। बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। आपके मन में भी कोई इच्छा हो तो कह देना क्या पता नरसी जी के साथ साथ आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। मैं तो शिव ही शिव को ध्यान जल से स्नान करा ओ मैं तो शिव ही शिव को ध्यान जल से स्नान करा और आ
प्रसन्न भये शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, जो मांगना है मांगो, मैं सारे काम कर दूंगा। हम और आप तो कितना कुछ मांग ले, नरसी जी ने क्या मांगा? मुकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण। जवाब देते हैं, धन नरसी पुत्र तिहारी, धन नरसी पुत्र तिहारी, धन नरसी पुत्र तिहारी, धन नरसी पुत्र तिहारी, ते तो वर मांगियो अति भारी, ते तो वर मांगियो अति भारी। और महादेव जी कहते ऐसी हरी किसी के पास होती भी नहीं है। अस्पुथी और को पावे, अस्पुथी और को पावे, हरि भक्तन को हरि भावे, हरि भक्तन को हरि भावे। और कछु ना, देखिए मैं गाकर बता रही हूँ, फिर सबको गाना है। मुकु और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए, मुकु श्री, पीछे जो भक्त है, मुकु और श्री, तो किन किन को मिलना है राधा कृष्ण से, उठाना पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। ओ मुकु और कछु ना